नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों का नया पिटारा खुल गया है। सबसे खास बात यह है कि नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को हर महीने 90,000 तक राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर से लेकर लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य उम्मीदवार को इन मौकों का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सदर अस्पताल के लिए 207 विशेषज्ञ डॉक्टर के संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिए लैब टेक्नीशियन की बहाली प्रक्रिया भी चालू है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जा रही है, जिसके तहत ही मेडिसिन, ईएनटी, नेत्र रोग, चर्म रोग और मनोरोग विभाग में एमडी, एमएस, डीएनबी या डिप्लोमाधारी 28 फरवरी की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि एमडी, एमएस, डीएनबी को प्रतिमाह 1,00,000 और डिप्लोमाधारी को 90,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लैब टेक्नीशियन पद के लिए 256 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के योग्य पाया है। योग्य अभ्यर्थियों का 15 फरवरी से साक्षात्कार होगा, जो 18 तक चलेगा। आयोग की वेबसाइट पर स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। दूरस्थ शिक्षा से डिग्रीधारी को इसके योग्य नहीं माना गया है। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वतंत्रता सेनानियों के पोते, पोती, नातिन को 2, दिव्यांग को 4 और महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण दिया जाएगा। फिजिशियन के 70, ईएनटी सर्जन के 41, नेत्र रोग के 28, चर्म रोग के 35 और मानसिक रोग विशेषज्ञ के 33 पद पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए मेधा सूची जारी की जाएगी। यानी कि अब अगर आप भी बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई आखिर क्या थी, इसकी जानकारी हम सभी के सामने थी। यही कारण भी है कि बिहार सरकार पुरजोर कोशिश में है कि आने वाले समय में बिहार की जनता को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी बिहार में तो बिल्कुल भी ना हो। यही कारण है कि समय सीमा पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार सरकार ऐसे निर्णय लेने का काम करती रही है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने यह नया निर्णय लिया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था तो सुदृढ़ होगी ही, साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।